बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हमले का विरोध, कार्यकर्ताओं ने अबोहर में निकाला विरोध मार्च, हरियाणा बीजेपी का भी हल्ला बोल। फतेहाबाद में अरुण नारंग पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर निकाला विरोध मार्च। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सिरसा में बीजेपी के पुतला फूंकने के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसान, महिला थाने के सामने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का फूंकना था पुतला। मानसा में विद्यार्थी छात्रबंदियों ने पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना की आड़ में स्कूल कॉलेज बंद करने के खिलाफ शहर में विरोध मार्च निकाला। बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हमले को लेकर कैथल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का जलाया पुतला। श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बजट किया गया पेश, एचसीपीसी अध्यक्ष बेबी जगीर कौर ने कुल 9 अरब का पेश किया बजट। होशियारपुर में आप विधायक वीर थेरे ने कहा जनता बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं करती, बावजूद इसकी बीजेपी के नेता बार बार लोगों के बीच आते हैं। मोगा के गांव निधावाला की सरपंच जर्नैल कौर को निलंबित किए जाने के मुद्दे पर एससी भाईचारा एकजुट नजर आया। 70 दिनों से रणजीत सागर डैम के चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर धरने दे रहे लोगों के संपर्क का टूटा बांध, रोजगार की मांग को लेकर दफ्तर के बाहर लगे टावर पर चढ़कर जहर किया विरोध। पटियाला के थापर कॉलेज चौक पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, जबकि 2 बुरी तरह हुए जख्मी, 3 गाड़ियां आपस में टकराई। फिरोजपुर सेंट्रल जेल में लगातार मोबाइल और नशीले पदार्थ मिलने का सिलसिला जारी, पुलिस गश्त के दौरान जेल के अंदर से 5 मोबाइल फोन और 35 ग्राम नशीला पाउडर बरामद। अमृतसर के जंडियाला गुरु में पंजाबी गायक दिलजान की सड़क हादसे में मौत, अमृतसर से वापस लौट रहे थे दिलजान। 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों में मामूली कमी, एक दिन में 56,211 मामले, 24 घंटे में 271 लोगों की मौत। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2,914 मामले, सभी तरह की पाबंदियों को 31 मार्च की जगह 10 अप्रैल तक बढ़ाया गया। पंजाब में निजी लैब या अस्पताल में किसी भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सिविल सर्जन को देनी होगी जानकारी। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 25 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, जिन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है सेक्टर और गांव के इलाके शामिल। लाहौल आने वाले पर्यटकों को कराना होगा कोरोना टेस्ट, कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा का बड़ा बयान। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पति समेत लगवाया कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा टीका। ISSF वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर दी बधाई। हरियाणा सरकार की हाई पावर परचेस कमेटी के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक, कई भागों में खरीद को लेकर हुआ मंथन। चंडीगढ़ में अनिल विज और प्रकाश धनखड़ की बैठक, संगठन विस्तार और उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी विधायक आए तो नंगा कर पोल से बांध देना, INLD के नेता अभय चौटाला का भड़काऊ बयान। सिरसा पुलिस ने बिजली ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले इंटरस्टेट गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। नगर निगम चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी ने धर्मशाला, पालमपुर और मंडी में बागियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। धर्मशाला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नगर निगम चुनाव में जीत निश्चित करने को लेकर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई हिंसक झड़प मामले में 200 से अधिक लोगों पर केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी दफ्तरों में 15 दिन में तिरंगा फहराने के निर्देश। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की शानदार पहल, 8 से 15 अप्रैल तक शारजहां के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दिव्यांग प्रीमियर लीग।